Hello friend, good morning. How are you? Hope so you are doing great. This is Devdutt Sahu. I am the director of Dev Spoken English Classes. I am an English guru, author and public speaker. इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ देयर विल बी। दोस्तों बड़ा स्पेशल ग्रामर है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है स्पोकन के लिहाज से। मैंने कहा यूज ऑफ देयर विल बी, ठीक है। जैसे अक्सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं कल डब्बे में एक पेन होगा, ठीक है, डब्बे में एक गिफ्ट होगा, अगले साल भारत में 25 राज्य होंगे, ठीक है, जंगल में एक गांव होगा, तुम्हारे लैपटॉप में एक वायरस होगा, उसके मोबाइल में बहुत सारे गाने होंगे। तो आने वाले भविष्य में किसी वस्तु के अंदर वस्तु होगा या किसी स्थान के अंदर स्थान होगा, देयर विल बी का प्रयोग करेंगे। लेट मी रिपीट, आने वाले समय में किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु होगी या किसी स्थान के अंदर कोई दूसरा स्थान होगा, देयर विल बी का प्रयोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ देयर विल बी। तो एक क्वेश्चन आप लोग देखिए कि कल डब्बे में एक पेन होगा, तो देयर विल बी के माध्यम से बनाएंगे। तो टुमारो देयर विल बी अ पेन इन द बॉक्स, या देयर विल बी अ पेन इन द बॉक्स टुमारो। टुमारो को शुरू में रख सकते हैं या आखिरी में रख सकते हैं, ठीक है। स्कूल में एक गार्डन होगा, तो देयर विल बी अ गार्डन इन द स्कूल, तो इन द स्कूल देयर विल बी अ गार्डन इन द स्कूल। तो अब बात करते हैं नेगेटिव का। जैसे एक सेंटेंस देख रहे हैं, कमरे में बच्चे नहीं होंगे, तो देयर विल बी नो चिल्ड्रन इन द रूम। यही अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखें, क्या कमरे में बच्चे होंगे, तो विल देयर चिल्ड्रन बी इन द रूम। दोस्तों देयर विल बी का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन में। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारे लैपटॉप में एक वायरस होगा, तो देयर विल बी अ वायरस इन योर लैपटॉप। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ दोहराते चले जाए, मैं इंग्लिश में बोलूंगा उसको आप ट्रांसलेट करें और बोल बोल के ट्रांसलेट करें, ठीक है। तुम्हारे लैपटॉप में एक वायरस होगा, तो देयर विल बी अ वायरस इन योर लैपटॉप। तुम्हारे लैपटॉप में गाने होंगे, तो देयर विल बी सॉन्ग्स इन योर लैपटॉप। भारत में 35 राज्य होंगे, तो देयर विल बी 35 स्टेट्स इन इंडिया। भारत में अनेक समस्या होगी, तो देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है। जंगल में एक गांव होगा, तो देयर विल बी अ विलेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत सारे गांव होंगे, तो देयर विल बी मेनी विलेजेस इन द फॉरेस्ट। गांव में एक मंदिर होगा, तो देयर विल बी अ टेम्पल इन द विलेज। गांव में एक स्कूल होगा, तो देयर विल बी अ स्कूल इन द विलेज। मशीन में एक समस्या होगी, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द मशीन। तुम्हारे परिवार में 5 सदस्य होंगे, तो देयर विल बी 5 मेंबर्स इन योर फैमिली। अगले साल आईपीएल में 10 टीम होंगी, देयर विल बी 10 टीम्स इन आईपीएल नेक्स्ट ईयर। तो होप सो देयर विल बी का फंडा क्लियर हुआ होगा। अब आपके स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। जो भी सही गलत आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जाइए, उसके आंसर को ट्रांसलेट कीजिए। थोड़े समय के बाद मैं इसको पढ़ूंगा और जो भी सही गलत होगा मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक का बटन दबा दें इसको, और लोगों के साथ शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।